हेलो एंड वेलकम के मोस्ट आप सभी का मेरे से पीटो में मेरा नाम नीतीश और आप देख रहे हो डायरेक्ट गेमिंग ओ टी सो यार आई नो बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है भाई लिटरली यहाँ पे एक मंथ से ऊपर हो गया हम लोग को वीडियो डाले हुए सो सॉरी फॉर डैट क्योंकि यार मेरे घर में थोड़ा तो सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है सो उसी कारण से तो हमें यहाँ पे डील हो चुका है बट यार आज से हम लोग लगातार लाइक वीडियो डाल सकता है लेकिन अभी तो मतलब बाकी है तो देखते ही क्या होता है बाकी यार आज की वीडियो में हम लोग बिल्डर में टेस्ट करने वाले वो भी डार्क नेटवर्क पे सो so, लास्ट वीडियो भी डार्क नेटवर्क पे ही था शायद से तो आप लोगों ने मैं उनसे बताया था कि भाई डार्क नेटवर्क में क्या क्या चीज़ आई है क्या क्या नहीं आई है और यहाँ पे लास्ट में इसको अपडेट भी बताऊंगा कि क्या क्या अपडेट हुआ है सो फटाफट में और देखते हैं कि कैसे हम लोग बिल्डर में टेस्ट करने वाले हैं लेकिन मैं ये बता देता हूँ बिल्डर मैन यहाँ का बहुत ज्यादा ओपी होने वाला है क्योंकि तो इससे जैसा बिल्डरमैन शायद ही मैंने कोई सर्वर में देखा होगा तो फटाफट से चलते हैं बिल्डर के लिए मटेरियल जमा करते हैं सो आपको पता होगा की बिल्डर के लिए थोड़ा डर चाहिए होता है उसके अंदर फिलअप करने के लिए सबारा से यहाँ से हम लोग इसको निकालते हैं डर्ट को उसके बाद आप लोगों से बस दो मिनट में मिलते हैं वो सो so, यार मैंने यहाँ से सारा डर्ट को निकाल लिया है यहाँ पे देख सकते हो ये हो चुका है सो so, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे बिल्डर एन का स्टोरेज को ओपन कर लेना है जो कि आप लोग को पता होगा नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा सो so, यहाँ पे हम लोग को डर्ट को फिलअप कर लेना है सो so, मेरे को लगा था भाई कि सिर्फ डर्ट पे ही ऐसा काम होता है सो so, मैं आपको भी दिखाता हूँ अभी क्या हुआ मेरे साथ जस्ट इस बिल एवन का क्या खासियत है जो कि और में नहीं है सो so, यहाँ से पता फर्स हम लोग यहाँ पे बिल एवन को टेस्ट करते हैं सो so, डॉट पे हम लोग को फिर सिंपली यहाँ पे मारना होता है लेकिन भाई देखो अभी ऐसा वर्क नहीं कर रहा है सो so, मैं भी दिखाता हूँ इसको कैसे वर्क करवाते हैं सो so, देखो यहाँ पे हम लोग को एक्सपर यहाँ बिलवन है तो इसको हम लोग को सिंपली ऐसे ही रखना होता है तो मैं यहाँ पे बार बार गलती कर रहा था मेरे को यहाँ से सिंपली दर्द पे इसको मारना होता है आपको ग्रास पे कभी भी बिले में नहीं मारना होगा अगर आपके ग्रास ब्लॉक है तो ग्रास ब्लॉक काम करेगा नहीं तो भाई जो ब्लॉक है आपको उसी पर काम करने वाला है तो पारा पारा से से फटाफट दिखाए तो सिंपली उसके बाद आपको सिर्फ टैप करना होता है और यहाँ पे भाई एक्टिवेट आपका हो जाएगा सब फटाफट यहाँ पे मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ सो देखते हैं लोग टेस्ट करके भाई होता है कि नहीं होता है सो एक बार सो हुआ

तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके लिए हम लोग को इसके अंदर थोड़ा मोटा आपको जो भी ब्लॉक रखना है जो ब्लॉक वो आपको सिंपली रख देना है और जैसा ब्लॉक होगा वैसा ब्लॉक पे आपको इसको यूज करना है। कि देखो मैं यहाँ पे एक कोबल स्टोन को यहाँ पे रखता हूँ उसके बाद इस पर मारने की कोशिश करता हूँ बट यहाँ पे कभी स्टोन स्टोन पे काम नहीं करेगा अरे तो यार कोई बात नहीं यार होता है होता है लगता था किसी पैसे ही काम करता है लेकिन अगर आप लोग इसको इन्वेंट्री में भी रखते हो कोई ब्लॉक को तो उस पर भी काम करेगा आपका बिल्डर वैन तो भाई ये तो और भी ज्यादा ओपी हो गया तो अभी मैं आपको दिखाता ट्राई करके तो भाई देख सकते हो कोबल पे भी काम कर रहा है भाई कोई भी इसमें कोई फर्क ही नहीं है कि इसमें कौन सा ब्लॉक है और आप लोग मुझे तो ये भी बता सकते हो कि क्या कोबल स्टोन बिल्डर वैन में काम करता है लाइक उसमें या कोई भी हाई पिक्सल फेक पिक्सल वगैरह वगैरह में तो जरूर बताना क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता है काम करता होगा और कोपोरे नहीं भाई यहाँ पे आप लोग कोई ब्लॉक यूज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैं भी यहाँ पे इस ब्लॉक को ले लेता हूँ तो फटाफट इसको हम लोग लिखते हैं तोड़ते हैं उसको पर ट्राई करके देखते हैं भाई देखो मेरे हिसाब से तो वर्क करना चाहिए लाइक मैंने यहाँ पर खेल चुका तो मेरे को पता है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप लोग बोलोगे कि भाई आप और भाई सारा ब्लॉक काम नहीं कर रहा है तो अगर ये ब्लॉक करेगा तो आपको पता होगा भाई सारा ब्लॉक काम करता होगा सो भाई इसको देखो इन्वेंट्री में रखने का कोई फायदा नहीं मतलब इन्वेंट्री में भी रखने का भाई बहुत ज़्यादा फायदा है लाइक बिल्डर मैन के अंदर रखो या बाहरों के बाद बराबर है देखो बाहर भी काम कर रहा है तो ये आप लोग समझो कितना ज्यादा वो भी बिल्डर वहन है आपको कोई सा भी सान के अंदर भी नहीं रखना कोई सा भी ब्लॉक आप सांट्री में रखो स्टोरेज में रखो या कहीं भी रखो ये भाई सिंपली काम करने वाला है तो भाई इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है तो मैं यहाँ पे पांच बिलेवन का गिव अवे भी करने वाला हूँ अगर आप इस वीडियो पे हंड्रेड लाइक कम्पलीट कर दो तो सो फटाफट रखकर वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाकी भाई चलते हम लोग है अब भाई आप लोग देख ही सकते हो बिल्ला मैन का क्या खासियत है बाकी अब मैं आपको चलता हूँ लेकर के अपने इस अपडेट के पास ये क्या अपडेट आया हुआ है सपरा चलते हैं हम लोग अपडेट की और, और देखते हैं कि कैसा क्या अपडेट आया है तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपडेट की ओर और, और मैंने यहाँ पे गेम को अपडेट कर लिया है और देख सकते हैं हो तो यहाँ मैं मैं का भी दिख जाएगा बाकी यार अभी हम लोग चलते हैं इसका मेन अपडेट की तो जो कि क्या ओपी बना चुका है तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर हाई लिखता हूँ तो भाई तुम लोग देख सकते हो यूट्यूब का लोग भाई कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है लिटरली लग रहा है कि मैं के बैठा हुआ यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ तो भाई समझ सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे सोचा कि रैंक को ओपन करता हूँ बस मेरे पास कोई रैंक का ओपन नहीं था भाई से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे अब मैं आपको कभी मतलब सब आपको हाफ भी दिखाया था घूम के कैसा लग रहा है तो सारा चीज को चेंज कर दिया गया है लाइक अभी मैं आपको दिखाया था यूट्यूब पर तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन पे भी वही चीज देखने को मिल जाएगा लाइक यहाँ पे तो हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया है फोटो वगैरह और सामने की ओर आप लोग देख सकते हो कि वो एक्शन ऑप्शन आएक लिखा हुआ है ऑप्शन हाउस वो भी चेंज हो चुका है तो सारे जगह पे ऐसा लिखिया है जो की बहुत सही लग रहा है देखने में तो आपको ये अपडेट कैसा लगा है जो कमेंट बताना बाकी आप लोग उसको प्ले करते जो योजना अपना टैग कर देना बाकी मिलते हैं ने नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपको ये वीडियो पसंद है अगर वीडियो पंद है लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो का लाइक हंड्रेड है तो जाओ जल्दी जाकर कंप्लीट करो बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है तब तक के लिए बाय बाय